Welcome to CGPSC Aspirants, Achieving Excellence Together. Please subscribe our channel and press the bell icon for latest video notifications. Hello friends, this is Jyoti Singh Rathore from CGPSC Aspirants. This is the first video for the lecture series of Chhattisgarh GS. I must clear that I am also a CGPSC aspirant, and being a CGPSC aspirant, I face lots of difficulties regarding the notes and contents of Chhattisgarh GS in English. So I thought of helping you all, and I decided to make this lecture series. About the language, I must clear that the lecture series will be both in Hindi and English, that is bilingual. And regarding the PDF, I am preparing the notes, so it will take some time to provide you guys all the notes. But I can assure you all that I will be providing you the notes in PDF format very soon. So let's begin with our first lecture, that is the general introduction of Chhattisgarh. छत्तीसगढ़ के लोकेशन के साथ हम स्टार्ट करते हैं. हम जानते हैं कि सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ का लोकेशन है. सो वी कैन से दैट छत्तीसगढ़ इज सिचुएटेड इन हार्ट ऑफ इंडिया. छत्तीसगढ़ हम जानते हैं कि 26 स्टेट बना था इंडियन यूनियन का, और कब बना था ये हम भलीभांति जानते ही हैं, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से सेपरेट होकर अंडर मध्य प्रदेश स्टेट रिओर्गनाइजेशन एक्ट 2000. छत्तीसगढ़ को हम बोल ऑफ पैडी या फिर धान का कटोरा भी कहते हैं. दैट सिंबलाइजेज इट्स प्रोस्पेरिटी. अब बोल ऑफ पैडी हम क्यों कहते हैं ये हम अच्छी तरह से जानते हैं, बिकॉज हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसका जो मिडिल पार्ट है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर पैडी का प्रोडक्शन होता है, पहली चीज. और दूसरा, हमारा जो भी जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है छत्तीसगढ़ का, वो कहीं ना कहीं एक कटोरे के आकार पर है, और यही एक रीजन है कि हम छत्तीसगढ़ को बोल ऑफ पैडी कहते हैं. And the state is endowed with a rich cultural heritage that includes folk art, folk theatre, folk dance, folklore, etc. Now, folk art में हम क्या क्या include कर लेंगे, जैसे कि घड़वा आर्ट हुआ, ढोकरा आर्ट हुआ. फोक थिएटर्स की जब हम बात करेंगे तो नाचा गम्मत, ये सबसे ज्यादा फेमस है हमारे यहाँ पर. डांस की बात करेंगे तो कर्मा, शैला, एटसेट्रा. और फोक लोर्स में पंडवानी जो सबसे फेमस है, जिसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते ही हैं. तीजन बाई जो है वो पद्म विभूषण तीजन बाई जो है वो इसी से ही रिलेटेड है. अगर हमसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ का शेप कैसा है, तो हम कहेंगे कि या तो वो सी हॉर्स या फिर हिप्पोकैम्पस के शेप का है. नाउ छत्तीसगढ़ रिवील्स द हिस्ट्री हिस्टोरिकल ग्लोरी ऑफ 36 स्ट्रांग होल्ड एरिया और 36 फोर्ट्स. हमारे छत्तीसगढ़ का नाम भी कहीं ना कहीं यही जो 36 फोर्ट्स हमारे यहाँ हुआ करते थे उसी के नाम पर पड़ा है. और आज की डेट में भले ही सब कुछ चेंज हो चुका है, आज की डेट में हमारे यहाँ पर 27 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स हैं, पर हाँ कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल ग्लोरी जो है हमारी, वो ये 36 फोर्ट्स जो हैं वही अच्छी तरह से उसे शो करते हैं. अब प्री हिस्टोरिक से लेकर के अब तक के समय की जब हम बात करते हैं, तो हमारी जो जर्नी है वो काफी डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी की रही है. आई मस्ट क्लियर दैट प्री हिस्टोरिक टाइम्स पर छत्तीसगढ़ को साउथ कौशल कहा जाता था. आज की डेट में भले ही इसका नाम छत्तीसगढ़ है. दूसरी चीज ये कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी चीजें हैं जो काफी ज्यादा अबंडेंस में पाई जाती है. अगर हम मिनरल्स की बात करें या फिर रिवर्स की बात करें या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेज की बात करें, तो ये सब फैक्टर्स हैं जो कहीं ना कहीं हमारे स्टेट को, जितने भी कंट्री के स्टेट्स हैं उन सभी में एक लीडिंग स्टेज में पहुंचा रहे हैं धीरे धीरे. ऑन द अदर हैंड, हमारे यहाँ जो भी लोगों का जो एक रिलीजियस और सोशियो कल्चरल लाइफ स्टाइल है वो हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा हेल्प कर रहा है. सो दिस वॉज अ स्मॉल इंट्रोडक्शन. अब हम आते हैं स्टेट के जो भी हमारे सिम्बॉल्स हैं उन पर. सबसे पहले हम स्टेट एम्बलम जो है वो कर लेते हैं. 4 सितंबर 2001 को छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने स्टेट जो भी हमारा एम्बलम था उसे अडॉप्ट किया था, और ये काफी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है. ये हमारा स्टेट एम्बलम है. और नाउ दिस इज द स्टेट एम्बलम ऑफ छत्तीसगढ़. द सर्कुलर पोर्शन, इट इज द सिंबल ऑफ परपेचुटी ऑफ द स्टेट, एंड इट कंसिस्ट ऑफ 36 फोर्ट्स एज इट इज विजिबल टू यू ऑल. दैट ये जो 36 फोर्ट्स हैं ये यूजुअली ग्रीन कलर के ही होते हैं, और ये हमारे स्टेट की प्रोस्पेरिटी को सिंबलाइज करते हैं. ये मैंने पहले भी आपको बताया था. और ग्रीन कलर मतलब कि हम जानते हैं नेचुरल ब्यूटी या फिर फॉरेस्ट रिसोर्सेस, तो ये उसे भी कहीं ना कहीं सिंबलाइज करता है. अब ये जो एक सिंबल आपको नजर आ रहा है ये एनर्जी का सिंबल है, और ये कहीं ये हमारे स्टेट को बताता है कि छत्तीसगढ़ इज एन एनर्जी सरप्लस स्टेट. दिस गोल्डन कलर represents the ears of paddy and it symbolizes the state as a agriculture based state. Now the tricolor here
ये भले ही नजर नहीं आ रहा है, पर एक्चुअली ये जो सिंबल होता है ये हमारा जो फ्लैग है, फ्लैग के जो 3 कलर्स होते हैं उसी के हिसाब से ये 3 कलर्स यहाँ पर होते हैं, और ये हमारे जो भी स्टेट के वाटर रिसोर्सेज और रिवर्स हैं उनको सिंबलाइज करते हैं, और ये बताते हैं कि हमारा जो ये जो 3 कलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट की सॉलिडेरिटी टूवर्ड्स आवर नेशन. नाउ दिस इज द अशोक पिलर, 4 लाइन्स ऑफ द पिलर एंड द सत्यमेव जयते, दीज टू थिंग्स दे सिंबलाइजेस द ट्रुथफुलनेस टूवर्ड्स आवर नेशन. एंड ये हाँ रेड कलर का होता है, हमें ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए, हमें ये याद करना है इन सभी में कि कौन कौन सी चीजें कौन कौन से कलर की हैं और वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती हैं. बैकग्राउंड का कलर यूजुअली व्हाइट ही होता है. अब व्हाइट कलर जो है वो पीस और प्रोस्पेरिटी जो हमारे स्टेट की है उसे सिग्निफाई करता है. नाउ एक क्वेश्चन हमारे यहाँ पूछा गया था कि साल ट्री हमारे स्टेट एम्बलम का पार्ट है या नहीं है, तो वी नीड टू मेमोराइज दैट साल ट्री जो है वो हमारे स्टेट एम्बलम का पार्ट नहीं है. नाउ अब हम आ जाते हैं हमारे जो भी स्टेट बर्ड, स्टेट एनिमल और स्टेट ट्री हैं उन पर. स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री जो है उनको 4 जुलाई 2001 को हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था एज स्टेट बर्ड एंड स्टेट एनिमल. सबसे पहले हम लोग स्टेट बर्ड देख लेते हैं. हिल मैना, हमारा स्टेट बर्ड जो है वो हिल मैना है और उसका साइंटिफिक नेम जो है वो है ग्रैकुला रिलीजियोसा पेनिनसुलारिस, ये हमारा स्टेट बर्ड है. स्टेट एनिमल जो है वाइल्ड बफेलो, वन भैंसा जिसे हम कहते हैं, बुबलस बुबेलिस उसका साइंटिफिक नेम है. और स्टेट ट्री जो है वो साल ट्री है, उसका बॉटनिकल नेम है सोरिया रोबुस्टा और ये हमारा साल ट्री है. अब हम आ जाते हैं हमारे स्टेट बर्ड की तरफ. एज आई टोल्ड यू ऑल दैट ऑन 4th of July 2001 स्टेट गवर्नमेंट अडॉप्टेड हिल मैना एज आवर स्टेट बर्ड. हम जानते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस हमारे यहाँ पर, हमारे जो स्टेट है वहां पर काफी डेंजर पर है. अब ऐसा क्या रीजन है कि हमने हिल मैना को अपने यहाँ पर एज स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया, तो वो उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है और वो है उसकी मिमिकिंग एबिलिटी. ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमने इसे एज स्टेट बर्ड अडॉप्ट किया हुआ है. अब क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि इसका एग्जिस्टेंस जो है वो अभी डेंजर पर है, तो हम हमारा जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कहीं ना कहीं काफी सारे मेजर्स लेगा उनको कंजर्व करने के लिए, तो उसके काफी मेजर्स जो है वो हम पढ़ लेते हैं. पहला तो यही है कि कांगेर वैली जो नेशनल पार्क है हमारा, हमारे स्टेट का जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वहां पर हिल मैना को कंजर्व किया जा रहा है और ये इनिशिएटिव सीजी गवर्नमेंट जो है हमारा उसके द्वारा लिया गया है. अब नॉर्मल जैसे कंजर्वेशन के लिए हम काफी सारे मेजर्स लेते हैं, जैसे कि लोकल लेवल इन्फॉर्मेशन उनका कलेक्शन करना और उनके उनके कंजर्वेशन के लिए हम लोग वर्कशॉप्स जो ऑर्गेनाइज करते हैं और जो भी उनके एग्जिस्टेंस पर अभी तक के ऑब्जर्वेशन हुए हैं उन्हें अचीव करके रखना, ये सब कुछ एक इनिशिएटिव्स हैं, मेजर्स हैं ताकि हम जितने भी हमारे हिल मैना है उन सभी को कंजर्व करके रख सकें. और सबसे बड़ी चीज मैंने आपको बताया कि मिमिकिंग एबिलिटी होती है, ये उसकी एक स्पेसिफिक क्वालिटी है, तो इसके लिए इसकी ट्रेडिंग जो है उसको बचाने के लिए भी हमारे गवर्नमेंट जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया हुआ है, काफी इनिशिएटिव्स लिए हुए हैं. अब अगर हमसे पूछा जाएगा कि हिल मैना कौन से एरिया में छत्तीसगढ़ के पाया जाता है, तो हम स्पेसिफाई कर देंगे कि सरगुजा डिवीजन जो है वहां के दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, जगदलपुर वाले जो रीजन है वहां पर इसे पाया जाता है. अब हम आ जाते हैं वन भैंसा मतलब वाइल्ड बफेलो की ओर. जैसे मैंने बताया कि इसे भी हमने 4th of July 2001 को एज स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया था और अडॉप्ट किया था. अब हमसे पूछा जाएगा अगर कि प्योरेस्ट और रेयरेस्ट स्पीशी अगर वाइल्ड बफेलो का कहां पर पाया गया है, पाया जाता है छत्तीसगढ़ पे, तो छत्तीसगढ़ का जो गरियाबंद का रीजन है वहां पर सबसे प्योरेस्ट फॉर्म पर और प्योरेस्ट फॉर्म वाइल्ड बफेलो का पाया जाता है. अब अगर हम बात करेंगे वाइल्ड बफेलो के एग्जिस्टेंस की, तो काफी सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कि वाइल्ड बफेलो का एग्जिस्टेंस जो है हमारे यहाँ पर क्यों कम होता जा रहा है. सबसे ज्यादा जो फैक्टर हमें परेशान कर रहा है वो है हमारा बायोलॉजिकल प्रेशर जो बढ़ता जा रहा है, उसकी वजह से उनका जो रेजिडेंशियल एरिया है वो धीरे 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 मिनिमाइज होता जा रहा है. और दूसरे और भी फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि ह्यूमन हंटर्स, प्रीडेटर्स और एक डिजीज होता है रिंडरपेस्ट जो वाइल्ड बफेलो में होता है. दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन जो वाइल्ड बफेलो के एग्जिस्टेंस पर सवाल उठाने पर हमें मजबूर कर दे रही है. अब छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करते हैं तो कहाँ कहाँ पर छत्तीसगढ़ पे वाइल्ड बफेलो जो है उसका पॉपुलेशन पाया जाता है, तो हमारे यहाँ 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, पामेड़ और बैरमगढ़, ये 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, और एक नेशनल पार्क इंद्रावती नेशनल पार्क,
ये तीनों जो हमारे एरियाज हैं यहाँ पर पॉपुलेशन पाया जाता है वाइल्ड बफेलो का। अगर हम कंजर्वेशन की बात करेंगे कि वाइल्ड बफेलो का कंजर्वेशन कौन से वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में किया जा रहा है, तो उसका आंसर होगा उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ गरियाबंद। अब हमारे यहाँ जो उदयंती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहां पर प्योरेस्ट फॉर्म अगर हम बात करेंगे वाइल्ड बफेलो का, तो एक फीमेल जो है फीमेल वाइल्ड बफेलो वो बची हुई है और उसका नाम है आशा। अब हम जानते ही हैं कि जो भी एंडेंजर्ड स्पीशीज हमारे कंट्री में या फिर कहीं पर भी पाए जाते हैं, तो हम उनके उनके स्पीशीज को कंजर्व करने के लिए उनकी क्लोनिंग करते हैं। तो यही जो आशा वाइल्ड बफेलो है उसका हमने क्लोन तैयार किया है। अगर हमसे पूछा जाएगा कहाँ, तो हम जवाब देंगे नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल हरियाणा, यहां पर आशा का क्लोन बनाया गया और उस क्लोन का नाम है दीप आशा। वाइल्ड बफेलो का साइंटिफिक नेम एज आई ऑलरेडी हैव टोल्ड यू ऑल दैट इट इज बुबलस बुबेलिस। नाउ लेट अस स्टार्ट विद स्टेट ट्री। साल ट्री को हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के स्टेट गवर्नमेंट ने एज स्टेट ट्री डिक्लेयर किया है। साल ट्री अगर हमसे पूछा जाए कि किस प्रकार का ट्री है, तो डेसीडस या फिर सेमी डेसीडस ट्री है। 30 से 40 मीटर्स की हाइट तक के ये ग्रो करता है। और हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का जो नॉर्थ और साउथ वाला पार्ट है, मतलब सरगुजा और बस्तर डिवीजन वाला जो पार्ट है, उस एरिया में कम्प्लीटली साल ट्री का कवरेज हमको दिखाई देगा। अब अगर हमसे पूछा जाएगा न्यूमेरिक वैल्यू पर कितने पार्ट छत्तीसगढ़ के कितने पार्ट में साल ट्री का कवरेज है, तो 24,244 किलोमीटर स्क्वायर, और परसेंटेज में पूछा जाएगा तो 40.56% ऑफ फॉरेस्ट कवरेज एरिया ऑफ छत्तीसगढ़। अब बेस्ट क्वालिटी ऑफ साल ट्री अगर हमसे पूछा जाए, तो हमें ये आंसर रट लेना है कि केशकाल वैली ऑफ कोंडा गांव जो है वहां पर साल ट्री की बेस्ट क्वालिटी पाई जाती है। अब एक ये सवाल भी हमारे सामने आता है कि पूरे छत्तीसगढ़ में किसे हम आइलैंड ऑफ साल ट्री कहते हैं, तो उसका आंसर होगा बस्तर। अब बॉटनिकल नेम एज आई टोल्ड यू ऑल कि शोरिया रोबस्टा जो है वो उसका बॉटनिकल नेम है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की जब हम बात करते हैं, तो काफी सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनके बेसिस पर हम उनके इम्पोर्टेंस को बता सकते हैं साल ट्री के। अब साल ट्री जो है इकोनॉमिकल अगर हम इम्पोर्टेंस देखते हैं, तो साल ट्री जो है वो एक टिम्बर हाई टिम्बर वैल्यू वाला वुड है। टिम्बर वैल्यू मतलब कि इमारती लकड़ियां, ठीक है। अब द वुड इज यूज फॉर मेकिंग प्लेट्स एंड कप्स और एटसेट्रा, काफी सारी चीजें बनाने में भी यही जो साल ट्री की लकड़ियां इसे हम यूज करते हैं। अब ट्रेडिशनल यूज, अब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ जो है वो ऐसे मैंने पहले ही बताया है कि कल्चरल हेरिटेज हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा है, तो काफी रिच है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो साल ट्री को काफी जगह पर वर्शिप किया जाता है हमारे यहाँ, हमारे स्टेट में भी और ऑल ओवर इंडिया भी। फेस्टिवल्स में, मैरिजेस में, जो भी ट्राइबल पीपल के ये सब ओकेजन्स होते हैं, उन सब में साल ट्री का काफी स्पेशल सिग्निफिकेंस होता है। और सरहुल एक फेस्टिवल होता है, उरांव ट्राइब वाले जो होते हैं वो इस फेस्टिवल को मनाते हैं। और इसी साल ट्री में जब साल ट्री जब ब्लॉसम होता है, तो सरहुल फेस्टिवल को उरांव ट्राइब्स वाले लोग जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं। अब मेडिसिनल यूजेस भी हैं इसके काफी सारे, कि ये जो हमारे स्किन डिजीजेस होती हैं उसमें एक ऑइंटमेंट आता है, उस ऑइंटमेंट को बनाने में एज एन इंग्रेडिएंट ये काफी हेल्पफुल है। और ईयर रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उसको भी क्योर करने में साल ट्री जो है उसने वो काफी अच्छा, काफी हेल्पफुल है। अब स्टेट के नोमेनक्लेचर के पर हम लोग आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का नाम छत्तीसगढ़ कैसे पड़ा। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक के काफी सारे जो भी हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से अलग अलग अपने अपने व्यूज दिए थे, तो हम उस पर आते हैं। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं वेगलर पे। अब हम जान लेते हैं कि वेगलर क्या कहते थे। वेगलर का कहना था कि हमारे यहाँ जो मगध जनपद हुआ करता था, पहले जब 16 महाजनपद हुआ करते थे, तो उस समय पर सबसे पहले एक हरियन डायनेस्टी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। उससे पहले भी एक डायनेस्टी थी, जरासंघ डायनेस्टी। वहां एक क्रूअल सा रूलर था and the name of that ruler was Zarasan. Because of his cruelty, 36 families of his own kingdom migrated to this area and settled here. And this region is named as Chhattisgarh, which was previously known as Chhattisghar. जो 36 families थी वो वहां से migrate होकर के यहाँ आई, यहाँ पर settle हुई, यहाँ पर छत्तीसगढ़ बनाया। और इसी के हिसाब से कि छत्तीसगढ़ से छत्तीसगढ़ जो है वो इमर्ज होकर के आया है, ये वेगलर का कहना था। अब आ जाते हैं हम लोग हीरालाल काव्योपाध्याय, जिसे हम छत्तीसगढ़ के पाणिनि भी कहते हैं। हीरालाल काव्योपाध्याय ने यह कहा था कि जब महाजनपदों का एरा था या फिर पीरियड था, तब ऑन दोज डेज छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी महाजनपद जो था उसका पार्ट था। जैसे जैसे टाइम इवॉल्व हुआ, वैसे वैसे चेदी पहले, अब उसे छत्तीसगढ़ क्योंकि छत्तीसगढ़ जो है वो चेदी जनपद का पार्ट था, तो
इसका नाम चेदिसगढ़ था उन दिनों पे। अब वही चेदिसगढ़ जो है वो इमर्ज होकर के धीरे धीरे छत्तीसगढ़ बनकर के आज की डेट में हमारे सामने है। अब चिज्म, चिज्म जो है ये भी काफी फेमस हिस्टोरियन है। इन्होंने कलचुरी हम लोग पढ़ेंगे आगे जब हम छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री वाला जो पार्ट है वो कवर करेंगे तब, कलचुरी काकतीय ये मिडियवल हिस्ट्री का पार्ट है। तो वहां पर एक रूलर हुआ करते थे कल्याण साय, जिन्होंने अपने जमाबंदी प्रणाली, एक जमाबंदी सिस्टम होता है वो लेकर के आए थे। तो उस समय पर हमारा जो छत्तीसगढ़ था उसको रिवर जो शिवनाथ है उसके नॉर्थ में और उसके साउथ में 18-18 फोर्ट्स पे डिवाइड कर दिया गया था। तो टोटल हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में उन दिनों पर 36 फोर्ट्स थे, और यही रीजन है कि 36 फोर्ट जो है उसके नाम, उसकी वजह से हमारा जो नाम है वो इमर्ज होकर के छत्तीसगढ़ आया, ये कहना था चिस्म का। और ये वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिकेटेड व्यू है, तो ये याद रखना हमको जरूरी है कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिकेटेड किसने अपना व्यू दिया था। अब बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो कि 1910 में आया था, उसके अकॉर्डिंग हमें ये पता चला था कि एक यूरोपियन ट्रैवलर आए थे कैप्टन ब्लंट, और ये आए थे 1795 पर। और उन्होंने जब वो अपना जो भी उनका जो भी ट्रैवलर आते हैं वो अपने एक ट्रैवलॉग लिखते हैं कि वो कहाँ कहाँ पर उन्होंने ट्रैवल किया था, किस किस एरिया पे गए थे। तो जब कैप्टन ब्लंट यहाँ आए थे तो उन्होंने ये जो एरिया था उसे छत्तीसगढ़ जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, वो कहा था कि वो छत्तीसगढ़ के एरिया में घूमने आए हुए थे। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमसे पूछा जाएगा कि बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो कि 1910 वाला था उसके एडिटर कौन थे, तो उसका आंसर हम लिखेंगे एवी नेल्सन। अब छत्तीसगढ़ की नेमिंग एंशियंट पीरियड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डिफरेंट डिफरेंट एराज में छत्तीसगढ़ को कौन कौन से नाम से जाना जाता था, वेदर इट इज मिडिल छत्तीसगढ़ और साउथ छत्तीसगढ़, ये हमें दोनों याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अगर हम रामायण पीरियड में हमसे पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, तो हमें याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, और जो हमारा बस्तर का रीजन है आज की डेट पे उसे दंडकारण्य कहा जाता था। महाभारत का जो पीरियड था उस समय पर कौशल या प्राकौशल कहा जाता था मिडिल छत्तीसगढ़ को, और साउथ छत्तीसगढ़ को कांतार कहा जाता था। गुप्ता पीरियड पे कौशल या फिर दक्षिणापद कहा जाता था। दक्षिणापद यूजुअली हमको मोस्टली हम कह सकते हैं क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स हैव प्रेफर्ड दक्षिणापद एज एंशियंट नेम इन गुप्ता पीरियड, सो हम दक्षिणापद इसमें याद रखेंगे। और अगर साउथ छत्तीसगढ़ की बात करते हैं बस्तर डिवीजन की बात करते हैं तो उसे महाकांतार कहा जाता था। कनिंगम के अनुसार छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा जाता था, और साउथ वाला जो पार्ट है उसे दंडकारण्य कहा जाता था। वेन सॉन्ग जो कि महाशिवगुप्त बालार्जुन थे पांडु डायनेस्टी वाले, उनके रेन में आए थे ये, तो ये जब आए थे तो इन्होंने अपनी एक बुक थी उसमें छत्तीसगढ़ को कियास्लो कहा था। अब हम लोग छत्तीसगढ़ी जो भी लैंग्वेज है उसको काफी पुराने समय से यूज किया जा रहा है, भले ही आज की डेट में हमारे खुद के लैंग्वेज का जो एग्जिस्टेंस है वो धीरे धीरे वैनिश होता जा रहा है, पर फिर भी हम हमारे ये जो छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के यूज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले किसने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को यूज करना स्टार्ट किया था, तो उसका आंसर होगा दलपत राव या फिर दलराम राव। इन 1494 छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज वॉज फर्स्टली यूज इन हिज लिटरेरी वर्क बाय दलपत राव, हु वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ खैरागढ़ स्टेट रूलर लक्ष्मी निधि राय। खैरागढ़ स्टेट जो था, जैसे कि छत्तीसगढ़ मैंने बताया था 14 रियासतें थी उन दिनों पे, तो एक रियासत थी खैरागढ़ की, वहां एक रूलर हुआ करते थे लक्ष्मी निधि राय, उनके कोर्ट पोएट थे दलपत राव या फिर दलराम राव, किसी किसी बुक में दलपत राव है किसी किसी बुक में दलराम राव है, तो आप अपने हिसाब से इनका नाम जो है आप याद कर लीजिएगा। अब ये जो दलपत राव है इन्होंने 1494 में उनका जो भी लिटरेरी वर्क था उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को फर्स्ट टाइम यूज किया था। नेक्स्ट 1746 में जो गोपाल मिश्र हैं, वो अब गोपाल मिश्र कौन है पहले हम ये जान लेते हैं कि जो कलचुरी रूलर थे राज सिंह, उनके कोर्ट पोएट हुआ करते थे गोपाल मिश्र। उन्होंने 1746 में अपनी एक बुक लिखी हुई थी, या फिर हम कह सकते हैं कि अपने जो भी लिटरेरी वर्क था उनका खूब तमाशा, उसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज को यूज किया था। अब बाबू रेवाराम ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ जो टर्म है उसको यूज किया था। ये छत्तीसगढ़ फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन है बाबू रेवाराम, हु यूज द टर्म छत्तीसगढ़ इन हिज बुक विक्रम विलास, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विक्रम विलास इन द ईयर 1896। अब हम आ जाते हैं कि छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ कैसे हुआ। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है। अ सेपरेट छत्तीसगढ़ स्टेट वॉज फर्स्ट इमेजिन बाय पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जो भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज थी उसको भी फर्स्ट टाइम ड्रॉ किया था।
उन्होंने छत्तीसगढ़ के लैंड मास को ऐसे डिफाइन किया था कि छत्तीसगढ़ का जो लैंड मास है वो बिटवीन विंध्यन रेंजेस एंड नर्मदा इन नॉर्थ, इंद्रावती इन साउथ एंड वेन गंगा इन वेस्ट, ये डिफाइन किया था उन्होंने। अब 1924 पे जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कमेटी था उसने एक रेजोल्यूशन पास किया था फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांडिंग छत्तीसगढ़ टू बी अ सेपरेट स्टेट फ्रॉम सेंट्रल प्रोविंस। अब उन दिनों पर मध्य प्रदेश नहीं था, उन दिनों पर वो सेंट्रल प्रोविंस हुआ करता था। तो सेंट्रल प्रोविंस में फर्स्ट टाइम जो भी डिस्ट्रिक्ट कमेटी थी उन्होंने एक रेजोल्यूशन को पास किया था हमारे सेपरेट छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के लिए एक डिमांड को लेकर के। फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन अगर हमसे पूछा जाएगा कि छत्तीसगढ़ में सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था, तो छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा 1946 में बनाया गया था। अब ये जो एक छोटा सा फॉर्मेट है ये हम देख लेते हैं इम्पोर्टेंट ईयर्स का, ये बिफोर इंडिपेंडेंस और आफ्टर इंडिपेंडेंस जैसा मैंने बनाया हुआ है वैसे ही आप रट लीजिए इसे, क्योंकि ये एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि जैसे जैसे हम ईयर्स को याद करते जाएंगे फिर हमको याद आता जाएगा कि कौन सा ईयर किस किस फैक्ट से रिलेटेड है। सो 1861, फिर 1862, 1905, 1918, 1924, 1939, 1946 एंड 1947, ये बिफोर इंडिपेंडेंस वाले ईयर्स हो गए। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस 1955, 56, 56 मैंने दो बार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हमें याद करने हैं, 1967, 76, 1983, 1983 अगेन टू टाइम्स है ये भी, 1994, 1998 और 2000 जो है, 2000 काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफी कुछ है जो काफी रिसेंट भी है और हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है। अब हम लोग आ जाते हैं सबसे पहले 1861। अगर हमसे पूछा जाएगा कि डिस्ट्रिक्ट फॉर्मेशन छत्तीसगढ़ में सबसे पहले कब किया गया था, तो हमारा आंसर होगा 1861। ऑन 2 नवंबर 1861 सेंट्रल प्रोविंस वॉज फॉर्म्ड इन विच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड छत्तीसगढ़ वर इंक्लूडेड। नागपुर जो है इसका कैपिटल बनाया गया था और उन दिनों पर तीन नए डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। ये हमको याद रखना है कि 1861 में कितने डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे, तो तीन डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे और वो तीन डिस्ट्रिक्ट्स थे रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ठीक है, अब हम आगे आ जाते हैं 1862 में। 1862 को हम लोग डिविजन फॉर्मेशन ईयर के नाम से जानते हैं छत्तीसगढ़ पे। अब 1862 में हमारे यहाँ पर जो सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट था वहां पर पांच डिविजन बनाए गए थे और छत्तीसगढ़ जो था वो उस पांच डिवीजन में से एक डिवीजन था। हमारा पूरा कंप्लीट छत्तीसगढ़ एक डिवीजन था और उसका हेडक्वार्टर हुआ करता था रायपुर। फर्स्ट कमिश्नर जो थे, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा कि हमसे पूछा जाए अगर कि हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पूरे डिवीजन के फर्स्ट कमिश्नर किसे बनाया गया था, तो उसका आंसर होगा चार्ल्स एलियट। 1905 हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, बंगाल पार्टीशन की वजह से काफी ज्यादा फेमस है हमारी हिस्ट्री पे। तो अब संबलपुर का एरिया जो है उन दिनों पर, संबलपुर जो आज की डेट में उड़ीसा में है, उड़ीसा जो है वो भी बंगाल जो प्रोविंस था उन दिनों पर उसका पार्ट हुआ करता था, तो संबलपुर एरिया पहले छत्तीसगढ़ का पार्ट हुआ करता था। और 1905 पर लिंग्विस्टिक बेसिस पे संबलपुर का जो एरिया था उसे बंगाल को दे दिया गया और हमारे यहाँ के जो पांच प्रिंसली स्टेट्स थे, ये पांच देखिए, चांगभखार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर, ये पांच जो प्रिंसली स्टेट्स थे ये पहले बंगाल के पार्ट हुआ करते थे, बंगाल प्रोविंस के, इसे सेंट्रल प्रोविंस में लिया गया और संबलपुर वाला जो पार्ट था उसे बंगाल जो प्रोविंस है उसको दे दिया गया। तो ये 1905 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाते हैं 1906 में। ये हमारे जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितने भी चेंजेस जो हैं उसमें सबसे पहले अगर हम लोग याद करते हैं जैसे कि 1861, 1862, उसके बाद फिर 1906 हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस एक और नया डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था और वो था दुर्ग। ठीक है, अब 1918 में आ जाते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा इज नोन एज द फर्स्ट विजनरी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ बिकॉज ही ड्रू द स्केच ऑफ छत्तीसगढ़ इन हिज मैन्युस्क्रिप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम छत्तीसगढ़ का मैप किसी ने अगर तैयार किया था तो उसका आंसर होगा पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये हमने इंट्रोडक्शन जो पार्ट था उसमें भी पढ़ा था। और अगर हमसे पूछा जाए कि फर्स्ट विजनरी कौन है छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के लिए, तो उसका आंसर भी पंडित सुंदरलाल शर्मा होगा। 1924 में जो हमारा रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है वहां पर मीटिंग में पहली बार छत्तीसगढ़ सेपरेट छत्तीसगढ़ के लिए एक प्रपोजल रखा गया था। पहली बार अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे पहले प्रपोजल कब रखा गया था, तो हम याद रखेंगे कि 1924 में सबसे पहला प्रपोजल रखा गया था कि एक सेपरेट छत्तीसगढ़ को बनाना चाहिए। और कहां रखा गया था, तो रायपुर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग में रखा गया था। 1939 को हम लोग याद कर लेते हैं कि जितने भी हमारे कांग्रेस के सेशन हुए थे, 1939 में हुआ था कांग्रेस का सेशन त्रिपुरी पे। ये वही सेशन है जहां पर सुभाष चंद्र बोस जो है
वो प्रेसिडेंट थे। अब त्रिपुरी अगर हमसे पूछा जाए तो कहां पर है, वो जबलपुर मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वहां पर पाया जाता है। अब पंडित सुंदरलाल शर्मा जो थे उन्होंने ये त्रिपुरी सेशन पर डिमांड रखा था सेपरेट छत्तीसगढ़ के लिए 1946। सबसे पहला हमने इंट्रोडक्शन के भी पार्ट में इस चीज को पढ़ा था कि सबसे पहला ऑर्गेनाइजेशन हमारे अगर बिफोर इंडिपेंडेंस पूछा जाए छत्तीसगढ़ पे तो वो था ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा बनाया गया छत्तीसगढ़ शोषण विरोध मंच। सेपरेट छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के लिए और उसके डिमांड को रेज करने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। कब बनाया गया था, तो 1946 में बनाया गया था। 1947 में इंडिया जो है वो इंडिपेंडेंट हुआ था अच्छी तरह से हम जानती हैं। तो छत्तीसगढ़ को उस समय हम सेंट्रल प्रोविंस का पार्ट कहते थे। नाउ 1955, अब हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस वाला जो स्लॉट है हम लोग उसमें एंटर कर चुके हैं, यहां तक जो भी था अपना बिफोर इंडिपेंडेंस वाला पार्ट था। अब 1955 में अगर हमसे पूछा जाए कि किसने, कौन से एमएलए ने सबसे पहले सेपरेट छत्तीसगढ़ स्टेट का डिमांड रखा था लेजिस्लेटिव असेंबली में सेंट्रल प्रोविंस के, तो हमारा आंसर होगा ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने। ये रायपुर के एमएलए थे। आई एम वेरी सॉरी, ये जो ठाकुर प्यारे लाल लिखा हुआ है ये प्यारे लाल नहीं है, ये ठाकुर रामकृष्ण सिंह है। इसे आप अपने नोट्स में ठीक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। ठाकुर रामकृष्ण सिंह 1955 एमएलए ऑफ रायपुर। आई एम वेरी सॉरी फॉर मिस्टेक। आगे हम बढ़ते हैं 1956 में छत्तीसगढ़ महासभा बनेगा। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन था छत्तीसगढ़ के सेपरेट छत्तीसगढ़ के डिमांड के लिए, और इस बार जो इसके प्रेसिडेंट होंगे वो होंगे डॉक्टर खूबचंद बघेल। कहां बनेगा, तो राजनांदगांव में बनेगा। ये दोनों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे और सेक्रेटरी जो है वो कौन थे। तो खूबचंद बघेल और दशरथ चौबे 1956 में बनेगा। ये याद रखना है हमको कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कब कब बनाए गए हैं और कौन कौन उनके प्रेसिडेंट थे। फिर उसके बाद 1956 में एक और चीज हुई थी और वो था मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन, और छत्तीसगढ़ जो है वो उस समय मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था। अब मध्य प्रदेश कब बनेगा, 1 नवंबर 1956 को। 1967 में जो डॉक्टर खूबचंद बघेल हैं और जो हमारे दशरथ चौबे थे इन दोनों के बीच में कुछ डिस्प्यूट्स हो गए थे, और इस वजह से खूबचंद बघेल ने जो हमारा छत्तीसगढ़ महासभा था उसका नाम चेंज करके छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ कर दिया, और इस बार इसके सेक्रेटरी द्वारका प्रसाद तिवारी होते हैं। ये भी राजनांदगांव में ही बनेगा। और अगर हमसे पूछा जाएगा कि किसकी हेल्प से उन्होंने छत्तीसगढ़ भ्रातृ संघ को बनाया गया था, तो उसमें हम नाम याद रख लेंगे, वो होगा बैरिस्टर छेदीलाल का। 1976 में आ जाते हैं, तो ये 1976 और 1983 शंकर गुहा नियोगी जो हैं इनका नाम हमको याद रखना है। ये लेबर यूनियन जो था बीएसपी का, वहां के लीडर हुआ करते थे ऑन दोज डेज। तो इन्होंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा बनाया था सेपरेट छत्तीसगढ़ के फॉर्मेशन के लिए, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था 76 में, और 1983 में इन्होंने छत्तीसगढ़ संग्राम मंच बनाया था। 1983 में एक और चीज हुई थी और वो ये थी कि पृथक छत्तीसगढ़ पार्टी बनाई गई थी संत कवि पवन दीवान जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं हम 1994 में जो साजा तहसील के एक एमएलए थे उनका नाम था रविन्द्र चौबे। उन्होंने फर्स्ट टाइम एक अनऑफिशियल बिल रखा था मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, और ये अनैनिमसली पास किया गया था। और ये जो बिल था अनऑफिशियल बिल, ये एक्चुअली छत्तीसगढ़ स्टेट सेपरेट छत्तीसगढ़ स्टेट के फॉर्मेशन के लिए ही किया गया था। कुछ बुक्स में ये जो एमएलए हैं इनका नाम गोपाल परमार भी पाया जाता है, आप देख लीजिएगा आप लोग, पर मैंने जितना भी पढ़ा है उन सभी में रविन्द्र चौबे ही मुझे नाम मिला है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1998 में। हम जानते हैं कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सर जो हैं वो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और उन्होंने उनके मतलब कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उस समय पर सेपरेट छत्तीसगढ़ के लिए एक लेजिस्लेटिव असेंबली जो मध्य प्रदेश था हमारा, हम मध्य प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहां पर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट छत्तीसगढ़ को कंसेंट दिया गया था। अब 2000 एज आई सेड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि 2000 में हुआ क्या था। तो मध्य प्रदेश स्टेट रिओर्गेनाइजेशन बिल जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया था। अब बिल जो है हम जानते हैं कि बिल एक्ट तब बनेगा, कब कब बनेगा, पहले वो लोकसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, वहां से पास होगा, उसके बाद फिर प्रेसिडेंट जब तक उसमें साइन नहीं कर देते तब तक वो एक एक्ट नहीं बनेगा। तो हम लोग याद कर लेते हैं कि कब कब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट के पास हमारा ये जो बिल है ये घूमा था।
तो लोकसभा में 25 जुलाई 2000 को इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था। अब 6 दिन के बाद मतलब 31 जुलाई 2000 को इस बिल को लोकसभा के द्वारा पास कर दिया गया था। राज्यसभा में 3 अगस्त को इसे लेकर के आया गया था, वहां पर उसे इंट्रोड्यूस किया गया और 9 अगस्त 2000 को इसी बिल को पास कर दिया गया था। 28 अगस्त को जो उस समय हमारे प्रेसिडेंट थे के आर नारायणन सर, इन्होंने 28 अगस्त 2000 को इस बिल को साइन किया था। अब अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा कि 1 नवंबर 1956 को छत्तीसगढ़ की जो मदर स्टेट है मध्य प्रदेश, उसका फॉर्मेशन हुआ था। इसीलिए इवन आफ्टर गेटिंग द बिल साइंड ऑन 28 अगस्त 2000, वी डिसाइडेड कि हम 1 नवंबर 2000 को अपना स्टेट फॉर्मेशन डे बनाएंगे। और वही दिन था जिस दिन छत्तीसगढ़ को पूरे इंडियन यूनियन का 26 स्टेट बनाया गया था। तो ये वाला डेट जो है ये तो हमको याद करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये हमें ऑलरेडी याद होगा। ये एक छोटा सा टेबल है जिसे हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब हमारे स्टेट का फॉर्मेशन हुआ था तब और आज की डेट में हमारे यहाँ कितने डिविजन्स, डिस्ट्रिक्ट, तहसील्स और डेवलपमेंट ब्लॉक्स हैं। तो डिविजन्स जब स्टेट का फॉर्मेशन हुआ मतलब 2000 में 3 थे, जो कि अब बढ़कर के 5 हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट पहले 16 थे, अब 27 हो चुके हैं। तहसील्स पहले 96 थे, अब 149 हो चुके हैं। डेवलपमेंट ब्लॉक ही एक ऐसा है जो पहले भी 146 था और 146 है अभी भी। सो वी आर डन विथ आवर फर्स्ट लेक्चर। अगर आप लोगों के कोई भी सजेशंस होंगे तो प्लीज लेट अस नो ऑन द कमेंट सेक्शन। एंड थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।